ऑटोकैड सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे ऑटोकैड में फाइंड कमांड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इस कमांड को फाइंड एंड रिप्लेस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ये कमांड एडिट मेनू का कमांड है और इसका शॉर्ट की है फाइंड। तो देखिए, आप एडिट मेनू में जाके लास्ट ऑप्शन है फाइंड, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। तो देखते हैं इस कमांड का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक प्लान है जिसमें कुछ आरसीसी बीम है जिसके साइज़ है 300 बाई 600, 300 बाई 450। तो इस तरह से एक प्लान है, उसमें कुछ आरसीसी बीम है। तो समझिए, मुझे इस सभी बीम के साइज़ एक साथ 400 करना है, उसका जो विड्थ है वो 400 करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो आप फाइंड एंड रिप्लेस कमांड के इस्तेमाल से वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड लेना होगा फाइंड और इंटर करना होगा। तो देखिए, इस तरह से चार्ट ओपन होता है। उसके बाद ये देखिए, इधर यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्शन का, तो उसको आप सिलेक्शन को ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और पूरे प्लान को इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से, और राइट क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर के साइड में है फाइंड व्हाट, तो वहाँ पे आपको जो आपका साइज जो चेंज करना है वो लिखना है। जैसे कि मुझे साइज चेंज करना है 300, तो मैं लिखूँगा, और रिप्लेस में लिखूँगा 400, तो वो मुझे चेंज करना है। तो उसके बाद आप रिप्लेस ऑल कर सकते हैं नीचे पे। तो ये देखिए, तो वहाँ पे देता है कि उसने 11 ऑब्जेक्ट को उसने मैच कर दिया उस कमांड के ज़रिए। तो देखते हैं, ये देखिए इसको उसने मैच कर दिया। ये 300 का बीम था, तो उसने इस तरह से उसको 400 कर दिया। देखिए, ये भी 400 हो गया, ये भी 400 हो गया, ये भी 400 हो गया। तो जितने भी 300 वाले बीम थे उसको उसने 400 से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, और एक बार मैं आपको बता देता हूँ रिप्लेस कमांड, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का यूज़। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोरेल बीम, मोनोरेल MB 300। तो मैं इसको आपको चेंज करके बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको आप कॉपी करेंगे। उसके बाद देखिए, ये दो, ये जो ऊपर के जो तीन सेक्शन है उसमें अगर मुझे चेंज करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए कमांड लेना होगा फाइंड इंटर। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और खाली इन तीन ऑब्जेक्ट को ही आपको सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से, नीचे का कुछ भी मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, और इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे वो टेक्स्ट पेस्ट करना है, और फिर से यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये MB 300 है उसको मुझे 400 करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 400 किया। और उसके बाद मैं देता हूँ फाइंड रिप्लेस ऑल। तो देखिए, वो तीन जगह पे उसने चेंज कर दिया। तो उसके बाद डन कर देता हूँ मैं। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे उसने चेंज कर दिया, उसके बाद यहाँ पे उसने चेंज कर दिया, तरह यहाँ पे उसने चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने सिलेक्शन नहीं किया तो पूरे शीट में वो चेंज कर देगा इस तरह से, वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। उसके लिए मैं कमांड लेता हूँ फाइंड एंड, देखिए फाइंड। उसके बाद मैं ऐसे दिया, मैंने कुछ सिलेक्शन वगैरह नहीं किया है, तो ऐसे ही मैंने से डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो समझिए, मैंने इधर टेक्स्ट पेस्ट किया और इधर पेस्ट करके मैंने लिख दिया 400। उसके बाद रिप्लेस कर दिया, तो उसके बाद वो पूरे शीट को रिप्लेस कर देगा। तो ये देखिए, शीट में दो बचे हुए थे उसको भी उसने कर दिया। अगर आपको कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्ट को ही चेंज करना है तो फिर आप सिलेक्शन करके करिए, या पूरे शीट को एक साथ चेंज करना है, फाइंड एंड रिप्लेस करना है उस वर्ड को, तो आपको फिर सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी इस कमांड का इस्तेमाल करके देखिए, और हमारे आगे की वीडियो देखना ना भूलिए। शुक्रिया।